Good morning, friends. Every trade is a battle, and winning battles require preparation. And since uncertainty is the only thing that's certain about the markets, you should learn to identify the possible scenarios and prepare contingencies for them. Having plans for every likely scenario increases your chances of closing your trade without losses. Every battle is won or lost before it's ever fought. Sun Tzu. आज है 7th of December 2022. आइए देखते हैं ओवरनाइट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है. डॉलर इंडेक्स अभी है 105.62. जैसे कि हमने कल और परसों का एनालिसिस किया था, जहां पे इनिशियल जो रेजिस्टेंस था वो था 105.50 से 105.75 के बीच में, अभी है 105.62. हमें देखने वाला बात ये है कि इस लेवल को तोड़ के डॉलर इंडेक्स ऊपर सस्टेन करता है या यहीं से नीचे आता है. वीकली अगर चार्ट देखेंगे डॉलर इंडेक्स का, इट इज टेकिंग सपोर्ट एट 40. एंड मंथली में अगर हम देखेंगे, इट इज टेकिंग सपोर्ट एट 60. दैट बीइंग द केस, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज डॉलर इंडेक्स यहां से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है. इसको अगर हम डेली डॉलर इंडेक्स का और थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे तो यहां पे सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस दिख रहा है, RSI डाइवर्जेंस. सो दैट बीइंग द केस, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर इंडेक्स एक बार 105.70 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 107.30 से 108.00 के तरफ मार्च कर सकता है. डॉलर रुपी बहुत ही डेप्रिशिएट कर रहा है रुपी टर्म्स में, अभी है 82.73. आप अगर देखोगे मंडे का एनालिसिस, डेली एनालिसिस, और कल मैंने एक डॉलर रुपी का एक स्पेशल एनालिसिस किया था, दोनों एनालिसिस देखो. मंडे का एनालिसिस में ये RSI 40 में सपोर्ट था, दैट बीइंग द केस इसमें ये ऊपर जाना था, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये RSI 60 के आसपास जाके थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस ले नहीं रहा है. सो आपका यहाँ पे काफी तेजी हो रहा है रुपी डेप्रिसिएशन के लिए. अगर हम वीकली में देखेंगे ये RSI 60 के ऊपर है, मंथली भी 60 के ऊपर है, दैट बीइंग द केस काफी बुलिशनेस यहाँ पे दिख रहा है. और वीकली फ्राइडे वाला क्लोजिंग अगर इसी टाइप का एक बुलिश कैंडल दे देता है, देन डॉलर रुपी न्यू हाई की तरफ मार्च करने वाला है. सो डॉलर शॉर्ट्स बी केयरफुल. आप अगर सेल करोगे तो प्ले विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस. अभी है GBP डॉलर, GBP डॉलर अभी करेंटली 1.2133. इसमें हम अगर देखने का कोशिश करेंगे, मंथली जो है जस्ट 40 के ऊपर गया है, दैट मींस थोड़ा सा इसका बुलिशनेस ढूंढने का कोशिश कर रहा है. वेयर एज मंथली टर्म्स में अगर हम देखेंगे, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस. ये हो गया आपका मंथली टर्म्स में. अगर हम वीकली में देखेंगे, इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60. दैट बीइंग द केस, थोड़ा सा सेल ऑफ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड डेली टर्म्स में अगर हम देखेंगे, ये अभी जस्ट 60.57 RSI में है, तो हमें देखना है कि क्या ये 60 पे सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है.
अदरवाइज आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, दैट इज जो अभी है 1.20 के आसपास। क्या ये 1.20 के आसपास सपोर्ट लेता है या नहीं है? अगर डेली टर्म्स में फिर भी हम देखेंगे तो ये जो करंट लेवल है 1.21 से 1.2150 का रेंज, इसमें एक सपोर्ट जोन बिल्डअप हो रहा है जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था। सो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ये ऊपर जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, एल्स वी मे एक्सपेक्ट ए सेल ऑफ टुवर्ड्स 1.20। जीबीपी आईएनआर अभी है 100.33। डेली चार्ट में जो बैक टू बैक दो कैंडल बनाया हुआ है, कल का जो कैंडल है इन्वर्टेड पिन बार एट द टॉप ऑफ द अप मूव, बहुत ही गंदा कैंडल है, यानी इसके लो के नीचे, कल के लो के नीचे एक जीबीपी आईएनआर में हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सच ए केस आपका हाई ऑफ यस्टरडे विल बी द स्टॉप लॉस, और ड्यूरिंग द डे अगर ये हाई के ऊपर चला जाता है, सस्टेन कर लेता है, तो नया बुलिश मोमेंटम ऑन डेली टाइम फ्रेम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली में हम अगर देखेंगे, वीकली ये 60 को क्रॉस कर चुका है तो हल्का सा बुलिशनेस है, लेकिन मंथली में अभी इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 60, अभी है 55.91। दैट बीइंग द केस इमीडिएटली ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो डॉलर अभी है 1.0462, तो इसको थोड़ा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में देखने का कोशिश करते हैं। आप अगर देखोगे मंथली पे इट इज एट 41, सो बिलो 40 से अभी 40 के यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा, मैं ऊपर जाऊं या नहीं। एंड 60 एट वीकली एट 60 रेजिस्टेंस, दैट बीइंग द केस मंथली एंड वीकली का जो अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे एक सेल ऑफ का इंडिकेशन है। ये सेल ऑफ का इंडिकेशंस जो है वो हम कैसे ले सकते हैं, अगर ये डेली आरएसआई बिलो 60 आके फिर 60 में रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, इन सच ए केस हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, मींस बड़े लेवल पे सेल करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इट हैज टू क्लोज बिलो द सेंटर बैंड, दैट इज सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, दैट इज मूविंग अवर इज 20, उसके बाद ही हम थोड़ा सा लोअर हाई लोअर लो इंडिकेशंस ऑन डेली टाइम फ्रेम में मिलेगा, तो हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ का इंडिकेशंस बन सकता है ऑन यूरो डॉलर। यूरो आईएनआर पे अभी है 86.52, आप अगर मंथली देखोगे इट इज अप्रोचिंग 60 नाउ एट 57.65, सो इमीडिएटली मंथली टर्म्स में 60 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, बट वीकली एट 69.83 जो काफी ऊपर चला गया है, एंड डेली आरएसआई इज ऑल्सो अबोव 60, दैट बीइंग द केस यहाँ पे बुलिशनेस बरकरार है, बाय डिप्स मे बी कंसीडर्ड हियर। डॉलर येन में अगर हम देखेंगे तो डॉलर येन मंथली अबोव 60, वीकली टेकिंग सपोर्ट एट 40, सो मंथली एंड वीकली का कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा बुलिशनेस बरकरार है, और आपका डेली में थोड़ा सा डाइवर्जेंस बनाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। सो दैट बीइंग द केस डेली टाइम फ्रेम में डॉलर येन अगर 40 के ऊपर चला जाता है, जो अभी है 38.51 पे है, वो 40 के ऊपर जाके फिर 40 में सपोर्ट लेता है, समथिंग लाइक दिस, then this, इस टाइप का अगर कुछ formations करता है, then in such a scenario यहाँ पे थोड़ा सा bullishness buildup हो सकता है। Yen INR में आपका देखोगे monthly जो है just below 40 से above 40 में आया है, अभी है 44 plus पे, weekly it is taking resistance around 60 and डेली जो है अबोव 60 में है, तो थोड़ा सा इट्स मिक्स्ड रिएक्शंस, मिक्स्ड में। और दूसरा हम देखेंगे कि ये कल आपका 15.5975 के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एज ऑफ नाउ हमें थोड़ा सा लॉन्ग के लिए केयरफुल
होना है, बिकॉज ऑल्दो डॉलर रुपी इज सुपर बुलिश, बट आपका डॉलर येन ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है. सो सिंस वन इज डिवाइडिंग द अदर, दैट बीइंग द केस, अगर येन ऊपर जाता है, डॉलर येन ऊपर जाता है, तो ये इधर ये थोड़ा सा नीचे आने का, येन आईएनआर थोड़ा नीचे आने का कोशिश कर सकता है, रीजन बीइंग डॉलर येन ऑन द डिनोमिनेटर. सो ये जो सिंथेटिक कॉम्बिनेशन है डॉलर रुपी एंड डॉलर येन का, एक दूसरे का मल्टीप्लायर नहीं है, एक दूसरे का डिवाइडर है. इसीलिए ये जो डिनोमिनेटर में है वो अगर ऊपर में जाएगा तो थोड़ा सा ये नीचे आने का प्रयास कर सकते हैं. सिंपल मैथमेटिक्स, नथिंग ग्रेट. $80 में मंथली आप देखोगे आपका ये 43 पे है, ट्राइंग टू टेक सपोर्ट अराउंड 40. अभी भी काफी ऑब्जर्वेशंस बाकी है. और वीकली जो है इन बिटवीन 40-60 है, डेली इज आल्सो इन बिटवीन 40-60. दैट मींस कि यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग हो सकता है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे फर्दर मोमेंटम के लिए. डॉलर सीएनएच ये आपका 6.92 मारने के बाद का एक इनसाइड बार बनाया है ऑन डेली टाइम फ्रेम, आज उसके अंदर में ही है. तो थोड़ा सा इसमें हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा. मंथली में देखेंगे आरएसआई अराउंड एट 59, वीकली आरएसआई विद इन 40-60, एंड डेली जो है बिलो 40 है. दैट मीन द केस यहाँ पे हम सेल ऑप्टिक्स के लिए थोड़ा सा सोच सकते हैं इन दिस इंस्ट्रूमेंट. यूके ऑयल ये आपका जैसे कि ये 28 नवंबर का 3 बार के लो के नीचे हम एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमारे प्रीवियस एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था. उसके नीचे चला जाने के बाद एक अच्छा खासा 80.80 के नीचे एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने देखा. आपका ये 78.82 डॉलर नीचे चला गया था, अभी ये 79.36. यहाँ पे आप देखोगे मंथली में एक रेंज शिफ्ट किया ऑलरेडी कर चुका है, यानी यहाँ पे और फर्दर मीन्स अपवर्ड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. वीकली जो है बिलो 60 चला गया है, यानी बियरिश फेज में जा रहा है, एंड डेली में भी बिलो 40 है. दैट मीन द केस एनी अपटेक में बी सोल्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम. यूएस स्टैंडर्ड ट्रेजरी में अगर हम देखेंगे, यूएस स्टैंडर्ड ट्रेजरी आपका 10 ईयर, इट इज इन द बुलिश फेज अबव 60, वीकली विद इन 40-60, एंड डेली बिलो 40. सो इट्स अ मिक्स्ड, डेली में बेयरिश, वीकली में साइडवाइज, एंड मंथली में स्टिल बुलिश. वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे इट इज टेकिंग सपोर्ट एट सेंटर बैंड. दैट बीइंग द केस डेली में जाके एक हम ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं. इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो थोड़ा सा इट में अगेन हेड टुवर्ड्स 4.20 की तरफ जा सकता है. अभी भी काफी देरी है, वीकली क्लोजिंग बाकी है, वीकली फ्राइडे का क्लोजिंग होना बाकी है, उसके बाद ये डेली में ऊपर क्लोज देगा, देन हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हम देखेंगे. इन सच ए केस वी कैन एक्सपेक्ट एन अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 4.20. सो अभी हम नहीं बोल सकते कि ये 4.20 की तरफ जाएगा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है ये सेटअप अगर देता है. व्हाट इज दिस सेटअप? ड्यूअल पीरियड बोलिंग जर्मन, जहां पे हायर टाइम फ्रेम सेंटर बैंड में सपोर्ट लेगा, लोअर टाइम फ्रेम लोअर बैंड से जाके फिर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा. दिस इज द सेटअप. सो आने वाले दिनों में हमें थोड़ा सा इसको केयरफुली मॉनिटर करना है, क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जा रहा है या नहीं. सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल्स. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.